देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल के अंदर एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म होने से मरीज मायूस होते नजर आ रहे हैं। पिछले 13 जुलाई से ही एंटी रेबीज इंजेक्शन बादशाह खान अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। मरीजों को इसकी सूचना अस्पताल में पहुंचने के बाद मिलती है और लगातार मरीजों का आना भी बदस्तूर जारी है। बादशाह खान अस्पताल की पीएमओ सविता यादव से जब इस समस्या को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वेयर हाउस में मेल के माध्यम से एंटी रेबीज इंजेक्शन और एंटीबायोटिक दवाइयों की डिमांड की है। इसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं इंजेक्शन लगवाने आए मरीजों का कहना है कि इंजेक्शन न होने की वजह से उन्हें अब प्राइवेट अस्पताल में इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है। इसकी उन्हें 3 गुना कीमत देनी पड़ रही है जिसके चलते मरीज मायूस दिखाई दिए। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। अभी आए बीके हॉस्पिटल। हम आए थे अपने भाई को, छोटे भाई को इंजेक्शन लगाने। किस चीज़ का इंजेक्शन लगवाना? कुत्ते काटने का। कुत्ता काट गया था। तो क्या इंजेक्शन लगाया? नहीं, कह रहे इंजेक्शन यहाँ पे नहीं है। इंजेक्शन खत्म है। क्या कह रहे हैं, कहाँ से लगवाएं इंजेक्शन? तो क्या करोगे? कह रहे हैं कि जाओ बाहर से प्राइवेट से ले जाओ। प्राइवेट इंजेक्शन? सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं है? नहीं। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार। क्या करवाने आए हो? इंजेक्शन। कहाँ पे आए हो? बीके हॉस्पिटल। किस चीज़ का इंजेक्शन लगवाना है? कुत्ते काटे। कुत्ता काट गया आपको? तो क्या कह रहे हैं अभी? कह रहे हैं इंजेक्शन नहीं है, खत्म हो गया। हाँ, उस बार भी गए। पिछली बार भी नहीं था इंजेक्शन? आप कहाँ से लगवाओगे इंजेक्शन? कह रहे हैं बाहर से लिया। प्राइवेट इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। मैडम, बीके हॉस्पिटल में एंटी रेबीज कलेक्शन जो है वो ख़त्म है। कई दवाइयाँ जो है वो अभी तक नहीं मुहैया हो पा रही। ग्राहक परेशान है, कस्टमर परेशान हो गए, मरीज कुछ मेडिसिन हैं लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कुछ जो मेडिसिन नहीं हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे आपने बताया एंटी रेबीज जो कि अभी 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ, वो असल में वेयर हाउस होते हैं सरकार के, जिनके थ्रू ये उपलब्ध कराए जाते हैं भिन्न भिन्न जिलों में। तो वो वाली दवाइयाँ ख़त्म है, अदरवाइज़ तो ज़्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। क्या उम्मीद करें मैम, कब तक आ जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हाँ, मैं समझती हूँ ये लोगों को परेशानी होती है, लेकिन हम इसकी डिमांड भेज चुके हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।